वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं फाइव कन्फर्म थिंग्स इन अपकमिंग होंडा एसयूवी जिसका नाम है एलिवेट। सो इन पांच चीज़ों में हम ये गाड़ी पूरी कवर कर लेंगे। आपको कोई और भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये मेरी सिंगल वीडियो देख लेंगे, आप इस गाड़ी के हर एक डिटेल के बारे में जान पाएंगे। सो मेरी वीडियो के साथ बने रहें। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट कन्फर्म थिंग की बात करें वो है इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स। जैसा कि आप जानते हैं ये गाड़ी इंडियन रोड्स पे कई बार स्पॉट होती हुई पाई गई है। एंड जैसा कि आप सामने इमेजेस देख ही पा रही हैं, ये तब की इमेजेस हैं जब ये गाड़ी टेस्टिंग में थी। एंड इसी हिसाब से इस गाड़ी में आपको फुल LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे फ्रंट से इस डिज़ाइन के, विद DRLs एंड बड़ी सी होंडा ग्रिल। उसके साथ आपको फॉग लैंप्स भी देखने को मिल जाएंगे फुल LED। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको इस गाड़ी में थोड़ा कूप डिज़ाइन देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे विद ORVMs विद 17-inch अलॉय व्हील्स एंड अंडर बॉडी क्लैडिंग भी मिल जाएगी टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग ऑफ रोड्स। एंड उससे गाड़ी में थोड़ी SUV वाली लुक आ जाती है। बैक लुक की बात करें, बैक में आपको इस गाड़ी में फुल LED टेल लैंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद रियर वाइपर, रियर कैमरा, रियर डिफॉगर एंड आपको नीचे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे बम्पर में। उसके साथ अगर हम बात करें इस गाड़ी के रूफ़ की, रूफ़ में आपको इस गाड़ी में फुल पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स। सो ये बात कर ली हमने इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की। सेकेंड कन्फर्म थिंग की बात करें वो है इस गाड़ी का इंटीरियर। इसके डैशबोर्ड का स्टाइल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको इस गाड़ी में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। उसके साथ आपको इस गाड़ी में बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले विद 360-degree कैमरा। इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक AC विद रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स विद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक, ऑटो IRVM, वायरलेस चार्जर, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, ऑल स्टेबल हेडरेस्ट जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको इस गाड़ी के रूफ में फुल पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा। सो ये बात कर ली हमने इस गाड़ी के सेकंड कन्फर्म थिंग की। थर्ड कन्फर्म थिंग की बात करें वो है इस गाड़ी की सेफ्टी। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS/ABD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ आपको इस गाड़ी में ADAS के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे सेम एज होंडा सिटी। जो फीचर्स आपको होंडा सिटी के ADAS में देखने को मिलते हैं वही सेम आपको होंडा एलिवेट में भी देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ कन्फर्म थिंग की बात करें वो है इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस। पहली बात ये आपको गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन में अवेलेबल होने वाली है। इस गाड़ी में आपको एक 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो प्रोड्यूस करता है 121 BHP एट द रेट 145 Nm ऑफ टॉर्क एंड एक 1.5 लीटर का पेट्रोल प्लस हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा बैटरी एंड मोटर के सेटअप के साथ जो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 126 BHP एट द रेट 253 Nm ऑफ टॉर्क। एंड ये गाड़ी आपको बोथ ऑटोमेटिक एंड मैनुअल के ऑप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी जो बहुत बढ़िया बात है। बाकी आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगा। फिफ्थ कन्फर्म थिंग की बात करें वो है इस गाड़ी का लॉन्च डेट एंड इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस। सो अगर लॉन्च डेट की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं ये गाड़ी इंडियन रोड्स पे कई बार स्पॉट होती हुई पाई गई है एंड ये जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है यानी कि जून के महीने में ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। होंडा की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ जाएगा या फिर इसका टीज़र आ जाएगा YouTube चैनल या फिर एडवर्टाइजमेंट्स में। उसके बाद अगर हम बात करें इस गाड़ी के प्राइस की, ये गाड़ी का प्राइस क्रेटा सेल्टोस जितना होने वाला है यानी कि इसका बेस मॉडल लगभग 10 लाख होगा यानी कि 10 से 11 लाख के बीच में। टॉप एंड वेरिएंट 20-21 तक जा सकता है यानी कि जितना आपको क्रेटा सेल्टोस का प्राइस देखने को मिलता है उतना ही मिलेगा। 19-20 का फ़र्क हो सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। पर इस गाड़ी में आपको फीचर्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जैसे कि ADAS जो आज की रेट में क्रेटा पे भी नहीं देखने को मिलते ना सेल्टोस में देखने को मिलते हैं। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल फाइव कन्फर्म थिंग्स इन अपकमिंग होंडा एलिवेट। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे बता देना। एंड अगर आपके मन में इस गाड़ी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।